महत्वपूर्ण विषय, गोल सेटिंग, हर एक इंसान के जीवन में, इन देयर लाइफ्स दे हैव अ गोल. नाउ गोल इज वेरी गुड टू हैव. समबडी इन दिस ऑडिटोरियम में से, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से, आई वॉन्ट 90 आउट ऑफ 100 इन द मैथ्स पेपर, और आई वॉन्ट 99 आउट ऑफ 100 इन मैनेजमेंट. एक्सेलेंट, वेरी गुड गोल. बट आपको ये बताता हूं, आप प्रॉब्लम कहां शुरू होता है. हम ये 90-99 तक पहुंचने के लिए कहां हमारी गाड़ी रुक जाती है. गोल आपने बना लिया, ठीक है, बढ़िया है. लेकिन गोल के साथ जब आप 24 घंटा जीना शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल, हुसैन बोल्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? हु इज हुसैन बोल्ट? एक्सेलेंट. थोड़ा आप आवाज और बुलंद कर सकते हैं, खुल के बोलिए, ये एक चर्चा है, कोई मेरा सर्मन या भाषण नहीं है. सो हुसैन बोल्ट वॉज अ ओलंपिक चैंपियन. हुसैन बोल्ट व्हेन ही रन्स अ 400 मीटर्स, 400 मीटर्स आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, ट्रैक सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर ट्रैक. तो हुसैन बोल्ट को यहां से दौड़ के, ही विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ही विल कम रनिंग एंड ही हैज टू टच हियर, दिस पॉइंट, फ्रॉम हियर टू हियर. अब मान लीजिए हुसैन बोल्ट रेस दौड़ रहा है, गोल की तरफ अगर उसका नजर कंटिन्यूअसली, उसने गोल की तरफ अगर नजर रखा, मतलब इन द सेंस फिनिशिंग पॉइंट पे, तो हालांकि भगवान ने उसे दो आंख दिए, एक आंख अगर उसने यहां रखा और एक आंख उसने ट्रैक पे रखा, तो व्हेन ही इज रनिंग, जब वो दौड़ रहा है, ही बिकम्स अ हैंडीकैप. एक आंख से दौड़ रहे हो, क्योंकि एक आंख तो यहां है, ऐसे रख के ऐसे दौड़ रहा है, इस तरफ दौड़ रहा है, एक आंख इधर है और एक आंख ट्रैक पे है. दोनों आंख अगर वो ट्रैक पे रख के दौड़ेगा, तभी ही वो रेस में वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है. तो गोल रखना बहुत अच्छी बात है, गोल सेटिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटा जब आप गोल के बारे में ही सोचते हो, प्रोसेस को भूल जाते हो, तो आपको उसमें सक्सेस या यश नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव मेड योर सेल्फ अ हैंडीकैप. यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर. गोल मीन्स फ्यूचर. यू आइडेंटिफाई योर गोल, दैट इज फाइन. गोल को एक टारगेट करके रखो, फिर आप वर्तमान में पूरी तरह जीवन जियो. ट्रैक को दौड़ने में आप अपना पूरा ध्यान लगाओ, दोनों आंखों से, तन मन से. दैट इज व्हेन हुसैन बोल्ट कैन बिकम हुसैन बोल्ट. इफ ही स्टार्ट्स लुकिंग एट द फिनिशिंग लाइन, ही विल नॉट बी एबल टू नेगोशिएट द ट्रैक. सो गोल सेटिंग इज अ ग्रेट आइडिया, बट लिविंग विद योर गोल्स 24/7 365 डेज अ ईयर is not a great idea, because then again you are in the future, or jab tak, until you don't take care of the present, until you don't run the race properly with both your eyes, with complete concentration, you cannot win the race. So understand the depth of goal setting. What happens when you do goal setting? It is wonderful to live with goals, but you must be completely again in the process. The process is more important than your goal.